अभी तक मैंने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, नाउ प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि देयर आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दैट इज द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, अदर्स आर देयर लाइक विटामिन्स हॉर्मोन्स एंजाइम्स. सो व्हाट यू हैव टू नो ऑन द प्रोटीन, यू हैव टू नो द केमिस्ट्री. You know first what is the protein, what is protein. Next, you have to know classification. Then, you have to know the properties. Then, biological importance. What is the protein, classification of proteins, properties of protein and biology. Now, what is protein? Our body consisting of protein. It is the main constituents of the cytoplasm of the human body and also the protoplasm. How it is formed? It is formed by carbon, nitrogen and oxygen. Besides this, other substances are present in various states, like sulfur and phosphorus. The percentage of carbon is about 54%, nitrogen 14%, 16%, oxygen 22%, and sulfur 1%. And phosphorus 0.6%. So these are present in many places, but these are the main constituents of the protein molecules. First, third point is that it is very peculiar that it is specific for a particular species, like human being, like microorganism, like virus. Organs, any other organ of the like liver, like brain, like lungs. So it is specific. What is the meaning of specific? Means the characteristics and chemical compositions of the protein of a species is different from us. जैसे अभी जो वायरस की दौर चल रहा है, इस वायरस का जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है आउटर लेयर का, जब वो ह्यूमन बॉडी में जाता है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की आउटर लेयर का प्रोटीन सबका अलग अलग है. तो जब वायरस की एक मेन प्रोटीन अलग अलग ह्यूमन बींग्स में जब घुसता है, तब उसके रिएक्शन अलग अलग होते हैं, जिस कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि किसी को सिम्टम्स माइल्ड आ रहा है, किसी को मॉडरेट आ रहा है, किसी को सिम्टम मीनिंग है और किसी को सीवियर हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इट इज स्पेसी स्पेसिफिक एंड ऑर्गेन स्पेसिफिक. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन मीन्स व्हेनेवर वी प्रिपेयर इन बिल्डिंग इट रिक्वायर्स द स्ट्रक्चर. So building block material to constitute the protein is amylases. It is also important to know amylases. So without amylases, we cannot think of the proteins. Proteins को जानने के लिए amylases जानना आवश्यक है. Amylases के नहीं है तो protein हमारे पास नहीं. ये हमको याद रखना. कहाँ मिलती है, कौन सी खाने की सब्सटेंस मिलता है? इट हैज द टू सोर्सेस, वन इज द एनिमल, अनदर इज द वेजिटेबल. एनिमल एंड वेजिटेबल. द फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज फाउंड इन द एनिमल.
एनिमल्स में लाइक एग, लाइक मीट, पोल्ट्री मीट, योर फिश, मिल्क. सो दिस आर द एनिमल पार्ट व्हेन यू गेट द फर्स्ट क्लास. सेकेंड क्लास प्रोटीन इज फाउंड इन द वेजिटेबल्स लाइक पीस, लाइक नट्स, लाइक सोयाबीन एंड पोटैटोस. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. हाउ मच अमाउंट ऑफ हाउ मच एनर्जी इज जनरेटेड बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यू नो इट वेरी वेल. इट इज अबाउट what 4 calories. If you combust, if you use the protein 1 gram, we will get 4 calories of the energy. Total amount required in adult man is about 56 gram per day. Adult woman requires 46 gram per day, and pregnant woman requires more, that is about 71 gram per day. So this is the protein. If you ask, write a short notes on protein 2 months, you have to write this. जो जो मैंने बताया आपको ये चीज 2 मार्क की क्वेश्चन अगर पूछता है तो प्रोटीन के बारे में आपको लिखना है. मैंने जब बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ तो समझाना पड़ता है. जब हम लिखते हैं वो शब्दों में आ जाता है, वो आपके लिए सुविधा ये आपको ध्यान रखना. सो आई हैव आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नाउ एट द क्लास. अदर पार्ट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. यूजुअली प्रोटीन इज क्लासिफाइड इन सिंपल कॉम्पाउंड कंजुगेटेड and here. What is the main differences in meaning of these? First, the simple an. It is, what is the meaning of simple? It means that uncommon, means it has its own existence. एक ही है, एक ही उसका अस्तित्व है, इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ नहीं है. सो दैट इज सिंपल. कॉम्बाइन कॉन्जुगेटेड मीन्स इट इज कॉम्बाइन विद अदर केमिकल्स. इट मे बी ए पिगमेंट, इट मे बी ए कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी फैट. सो जब प्रोटीन दूसरे कोई मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे फैट, तो कलरिंग मटेरियल का उसका नाम हो जाता है कंजुगेटेड. डिराइव्ड जब बॉडी के अंदर में प्रोटीन लेने के बाद उसकी केमिकल रिएक्शन होती है थ्रू मेटाबॉलिज्म, तब जो चीजें बनता है उसको कहते हैं डिराइव्ड. सो दिस इज द मेन डेफिनेशन डिफरेंस. नाउ वी आर कमिंग टू द सिंपल. व्हाट आर द सिंपल अगेन सब डिवाइडेड इनटू सिंपल अगेन सब डिवाइडेड. Now we are talking on the simple, which is subdivided into Uruta, Mines, Histones, Albumines, Globulins, Polamines, glutenins, sclerotin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6.
the simple. So it is the first classification is simple conjugate integral. Next sub classification is polarized, bestowed, stagnant, rolling. It is the polarized, it is the polarized, the glutamine and steroid. Now we have to know all the proteins, different subdivided, subclassified type under the heads. First to know where it is from, source. Then we know what is the properties. Properties, it may be the chemical property or physical properties. And some remarkable point to identify it and to compare from others. Source matlab, either from outer source or from inner source. Outer means from food, and food we get to one is the animal and then the vegetable. Inner means inside the body, human body. Means any organs, any glands, any blood vessels, blood corpuscles, or anywhere, either in the cytoplasm or in the mitochondria of the cell, anywhere. So this way we have to know the source. Properties, we first know the poo and goo, lay, wee, lee, tea. It is again heat, cold, heat core level and acids and alkalines. All known. So we can compare on this point. Either it is heat core level or no core level, no core level, either heat core level or acids core level or alkalines. Now you have to know the solubility. Solubility. Either soluble, yes or no. Whether it is soluble in the distilled water, whether it is soluble in the salt solution, or alkaline solutions, or alcohol solutions, or it is not soluble. Or it may be soluble. Then you have to know the properties and precipitation. Precipitation means dissolve. Whether it is dissolved in a particular solution. Now the precipitation in chemical reactions occur in two ways. Whether it is fully saturated or partially. So in some cases we will get the full saturation, in some cases we will get the partial saturation. So these are the points we have to study all the subclassical proteins in all the groups. Now let us start the first what I call the glutamines. Another point I have missed to say, reaction means either acid, basic, strong acid or neutral or amphoteric. Amphoteric means it is neither acid nor alkaline. Glutamines. Source. It is formed in some species. Spawn of some species. Machli ke spawn mein hota hai. Then coagulable, not coagulable by heat. So you can write not coagulable by heat or no
he, Pope, and Holy Spirit. So these are the words we have to use so that we can consume our ideas. Because in the university here, it is the direction that we have to write only few words. So it is not possible. Precipitation, nothing is there, nothing is not known. Nature of reaction, strongly basic in nature. Solubility, it is soluble in ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. इसका peculiarity क्या है? This is the protein having the very small molecular weight. And that is about, this is the remark. What is very peculiarity of that particular, we have to remember and highlight it. इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसका molecular weight सबसे कम है. सबसे छोटा size का molecule है, that is about 2000. So this is the protamines. Then we are coming to the histones. Histones, where you will get? You will get in the thymus gland and globin part of the hemoglobin. Globin part of the hemoglobin. Coagulates, it is heat coagulable, cup in presence of any salts. So whenever this protein is mixed with the soil, then it is coagulable. Coagulable matlab kya hai? Jam jata. Jab uska heat dete hai, wo liquid padarth rehta hai, jab wo jam jata hai, usko bolte hai coagulable. To isme coagulable tab hogi jab iske sath mein hum salt add kar dete. So this is the heat coagulability. Next, precipitation. It is completely saturated with ammonium sulfate or zinc sulfate. Ammonium sulfate or zinc sulfate में ये completely saturated मतलब completely dissolved. जब इसके साथ में हम ammonium sulfate या zinc sulfate डालेंगे तो ये dissolved. Solubility, it is soluble in water and salt. So is the trading here solubility and like water and salt. So what I am telling, it is very difficult to remember all the proteins and diet. So make a tabular form. Write the point is source, then reaction, then precipitation, then solubility, then any other element. So these are the five columns you make in the table and prepare it so you can remember and compare. Otherwise it is very difficult to remember all the things. So this is the histone. Next we are coming to the algae. This albumin has highest number of the molecular weight, about 65,000 daltons. Albumin, where we get? We get, it is called the egalbumin. It is found in the human body, in the serum. Aapko blood prahya hoga, to isme aapko bataya gaya ki blood ke andar mein plasma proteins rehta hai. That is the serum albumin. तो ये बॉडी के अंदर में सीरम में रहता है. जब ये मिल्क के अंदर में रहता है रहेगा उसका नाम हो जाएगा लैक्टो एल्बुमिन. जब मसल्स में रहेगा तो हो जाएगा मायो एल्बुमिन मायोग्लोबिन. एंड जब व्हीट में रहेगा तब उसका नाम हो जाएगा व्हीट मतलब गेहूं ल्यूकोसिन. तो एल्बुमिन कहाँ कहाँ पर मिलेगा? एक यॉक में मिलेगा, सिराम में मिलेगा,
मिल्क बन लेगा कि व्हाइट बन लेगा, और एक मैंने बताया था जो है मस्क। अब एल्यूमिन का कैरेक्टर क्या है? एल्यूमिन इज आइदर कोएगुलेबल और नॉट कोएगुलेबल, इट डिफर्स इन द डिफरेंट टाइप्स। वी कैन कंपेयर द सेरम एल्बुमिन एंड द एग एल्बुमिन। सेरम एल्बुमिन या एग एल्बुमिन इज कोएगुलेबल ऑन हीटिंग अलोंग विद द एसिटिक एसिड एनी टाइम। अगर एग एल्बुमिन के साथ में एसिटिक एसिड और लिक्विड मिलाया जाता है और उसको हीट किया जाता है तो वो कोएगुलेट कर जाता है। इनके से लिमिट सेरम एल्बुमिन नेवर को, बट इट इज कोएगुलेबल ओनली ऑन हीटिंग एट 74 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन विल गेट दैट एल्बुमिन इज कंप्लीटली precipitation, I told, only the precipitation is observed in the egg albumin and your serum. Others ke baare mein hame jankari nahi hai. Lactoalbumin, myoglobin and leukocytes ke baare mein jankari hame nahi hai. Solubility, usually it is soluble in distilled water and salt solution. As a whole albumin is soluble either in distilled water and salt solution. So this is about the albumin. We are coming to the globulin. Where we will get the globulin either in the serum and plasma, area, eye lens, eye का जो lens होता है, and plasma. Hem and cotton and peas. So we can divide the source either in the plant or animal. But as a whole globally, the source kya hai? Ye jo jo maine bataya. Now on the basis of the presence of the globally in a particular, like in peas, uska naam alag hai. Ye ovoid ग्लोबुलिन, तो जहां जहां पे जैसे जैसे ग्लोबुलिन रहता है उसका नाम अलग अलग हो जाता है। ऐसे हो ग्लोबुलिन ये जगह में मिलते हैं। इसका कोएगुलेशन क्या है? इट इज कोएगुलेबल ऑन हीट एंड एसिड्स। दिस इज द पिक्युलिटी। हीट कोएगुलेशन इज कॉमन फॉर, बट इन एसिड्स, एल्कलीज एंड सॉल्ट्स, गैलिक एसिड्स sodium chloride and magnesium sulfate, but half saturation with ammonium sulfate. This is very important to know. It is soluble in dilute salt solution. Dilute salt solution means you soluble in, but insoluble in what? This is the very important thing. पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, बट डाइल्यूट सॉल्ट्स में ये सॉल्युबल होती है।
मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ कुछ ये ऐसा है कि जो उसका कैरेक्टरिस्टिक उसको आपको याद रखना। अब आओ इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। सेरम ग्लोबुलिन, सेरम ग्लोबुलिन मीन्स जो सेरम में पाया जाता है। नेक्स्ट काम ओवोग्लोबुलिन, ओवोग्लोबुलिन मतलब एक यक, जैसे एक एल्यूमिन बोला था एक यक में, ऐसे एक ग्लोबुलिन भी इसमें मिले, ओवोग्लोबुलिन एक यक में। क्रिस्टालिन, क्रिस्टालिन इट इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलिन, इट इज फाउंड इन द आई लेंस। आई का ह्यूमन आई लेंस इसकी कॉम्पोजिशन प्रोटीन से बनती है और वो सिंगल प्रोटीन है क्रिस्टालिन, इसका नाम है क्रिस्टालिन। हाइपोएलर्जिक, हाइपोएलर्जिक काम होती है आपको मालूम प्लाज्मा में चार प्रोटीन है एल्बुमिन ग्लोबुलिन एल्बुमिन एंड प्रोटीन, सो द हाइपोएलर्जिक इज फाउंड इन द प्लाज्मा। इडेस्टिन, इडेस्टिन अब हम आते हैं वेजिटेबल किंगडम में। इडेस्टिन विल फॉल इन द हेम्प एंड कॉटन। लेगुमिन, लेगुमिन इफ यू टेक पीस यू विल गेट द लेगुमिन। मायोसिन, यू नो इट वेरी वेल दैट देयर इज ए माइक्रो एलिमेंट्स इन द मसल्स एंड दैट माइक्रो एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स वन इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो मायोसिन इज ग्लोबुलिन इन दैट ह्यूमन। दिस इज द वे इंपॉर्टेंट थिंग। So this is about your globin. Next we come to the prolamines. Prolamines. Only the L is here. Glutamines. Pehla jo maine bola tha glutamines. Here is the prolamines. Prolamines aapko kahan milegi? Means इसका नाम है जिंक। और कहां मिलेगी? बार्ली एंड व्हीट एंड द नेम इज ग्लैडिन, ग्लैडिन। सो इट इज अबाउट द वेजिटेबल इज द सोर्स। मेज में बार्ली एंड व्हीट, जब मेज में मिलेगी उसका नाम ज़ैन है, बार्ली एंड व्हीट में मिलेगा ग्लैडिन। इसका पिक्योरिटी क्या है? इसका कोई पिक्योरिटी नहीं है। कॉग्लोबुलिन के बारे में जानकारी नहीं मालूम, सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है। इसकी सॉल्युबिलिटी 70-80% 70-80% अल्कोहल से बना। अभी तक हमने जो सॉल्युबिलिटी बोला हो ये शब्द यूज नहीं किया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्केटेबल फॉर दिस प्रोलामाइन की सॉल्युबिलिटी 70-80% अल्कोहल एंड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये वाटर में इंसॉल्युबल होती है या डाइल्यूट अल्कोहल में, डाइल्यूट अल्कोहल में एंड वाटर में इंसॉल्युबल है, बट 70-80% अल्कोहल में ये इंसॉल्युबल है। ग्लूटेलिंस, ग्लूटेलिंस कहाँ मिलेगा आपको?
सीरियल्स जैसे राइस, सरसों, ये सब जगह मिलेगी। इसका प्योरिटी क्या है? इट इज हीट पॉवर, मीन्स ऑन हीट इट विल पॉवर। इसका सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स एंड अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर में भी सॉल्युबल है, एसिड्स में भी सॉल्युबल है, एंड एल्कोहल्स में भी सॉल्युबल है, तीनों में सॉल्युबल है, चाहे वाटर हो चाहे एसिड्स हो एल्कोहल्स। इनसॉल्युबल किस में होगा? इट इज इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो क्राइटेरियंस, इसके बाद में दूसरा आता है
और रिलैक्स में कोई सी राइट शॉर्ट क्लोज और सिंपल यू मे हैव टीम वर्क बिकॉज सो इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर इट इन ए टेबल फॉर्म एंड कैन यू रिमेंबर इट अकॉर्डिंगली ठीक है क्या पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन तैयारी करना है क्वेश्चन तैयारी आपको करना है सभी का अलग अलग तैयारी होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे से शेयर नहीं होना चाहिए जो आप बना रहे हो वो आपकी खुद की समझदारी है और आपका प्रेजेंटेशन है तो आपको इसके ऊपर मैं नोट्स नहीं दूंगा आप अपना नोट्स बनाइए और मुझे मेल करिए जब आप मेल करेंगे एक लगातार पेज को मेल करिए पेज में नंबरिंग दीजिए ताकि मुझे पढ़ने में सुविधा हो और मैं आगे चलकर ग्रुप डिस्कशन चाहता हूँ अभी तक मैंने जो पढ़ाए हूँ इसको ग्रुप वाइज डिस्कशन करना चाहता हूँ तो एक एक ग्रुप के मैं 5 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करूँगा और उसमें एक दूसरे से हम पूछेंगे जैसे मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते पूछा कि इसका रिमार्केबल क्या है तो ये चीज से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ये हमारे दिमाग में आ जाएगी याद के लिए सुविधा होगी और समझने के लिए सुविधा